हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे अपने अपने लाइफ में। और ये है मेरा नवरात्रि पूजा का मेकअप लुक। अष्टमी के दिन का है ये मेकअप। और देखिए, पीली साड़ी में और साथ में पीली चूड़ी भी है मेरा, और ये टीका और साथ में ज्वेलरी। काफ़ी खूबसूरत लुक क्रिएट किए हैं हम। और ऐसे भी पूजा में लाल पीली साड़ी ही शुभ माना जाता है। तो ये देखिए, रेडी हो गए हैं और अभी मंदिर जाना है मुझे। शाम का समय है और मंदिर जाने के लिए मैं रेडी हुई हूँ। और इस बार तो नवरात्रि पूजा हुआ ही नहीं, और ये मेरे पिछले नवरात्रि पर मैं पहनी थी वो साड़ी है, पीली साड़ी थी। और नवरात्रि पूजा के लिए मैं ये साड़ी मैं निकाली थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था उस वक्त ही, मैं नवरात्रि पूजा में पहनी थी तो। और ये देखिए मेरा फाया पूरा साड़ी का लुक, बहुत ही अच्छा लगा। ये साड़ी मुझे पूजा के लिए खासकर अच्छा होता है, सब पीला या फिर लाल शुभ माना जाता है। और फिर दो चार रील शूट करके मैं आई यहाँ मंदिर, जहाँ पर शाम का समय देखिए और मंदिर में काफ़ी भीड़ है दीपक जलाने के लिए। बहुत से लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, शाम का वक्त है अभी। और अभी शाम का आरती भी होगा, आज अष्टमी है। तो देखिए माता रानी का यहाँ भव्य मूर्ति है, बहुत ही खूबसूरत। आज मैं आकर के देखी, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी है, तो मुझे तो मार्केट में काम है थोड़ा सा कल के लिए, क्योंकि अष्टमी पूजा आज नहीं बल्कि अष्टमी और नवमी का एक ही दिन पूजा हो रहा है हमारे यहाँ पर। सब जगह भी यही हो रहा, जो लोग अष्टमी भूख रहे हैं वो उसी दिन पूजा करेंगे नवमी के दिन। तो मैं यहाँ पर ले आई सारा सामान, और साउंड को म्यूट करना पड़ा क्योंकि बाहरी साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है अभी हमारे यहाँ जो नवाहपरायण यज्ञ हो रहा है उसका। ये देखिए मैं क्या क्या लाई हूँ सामान, वो सब आप सबको दिखा रही हूँ। तो ये है दान करने का, अष्टमी पूजा में दान करने का सामान होता है, श्रृंगार का सामान, तो मैं लेकर के आई। और साथ में एक दिया है जो दीपक जलाते हैं संधि पूजा के लिए, तो 108 दीपक जलाते हैं और 21 जितना हो, तो मैं एक ही दिया लाई हूँ, इसी में बत्ती करके 108 जलाऊंगी, क्योंकि भीड़ इतना होता है कि दीपक जलाना संभव नहीं होता है। साथ में दो नारियल और उसके बाद फल लेकर के आए हैं, केला सेब, ये सब कल प्रसाद के लिए। तो अभी लेकर के आना पड़ा क्योंकि सुबह 6 बजे ही मंदिर पहुंचना है, और उस टाइम तो सुबह सुबह तैयारी करना, इसलिए अभी से ही सारा चीज़ रेडी करके रखना होगा। मुझे अभी नींबू भी है, और इसके बाद मैं अभी खाना बना करके और सारा घर क्लीन करके इसके बाद मुझे सोना होगा, क्योंकि कल सुबह सुबह उठ करके और पूजा करना है, मंदिर जाना है। तो सारा चीज़ मैं ले आई, सोची कि मैं ही खुद जा कर के ले आऊँ, क्यों पतिदेव को बोलूँ, उन्हें परेशान करना अच्छा नहीं। मैं गई थी शाम को और सोची कि चलो ये सब ही खरीद लेते हैं वहीं से। तो ये सब कुछ तो मेरा रेडी हो गया है, लेकिन अभी सबसे बड़ी टेंशन है घर का क्लीन करना। तो खाना बनाने के बाद देखिए मैं घर पोछा की, और इसके बाद किचन का क्लीनिंग करके, और इसके बाद सोची कि चलो ये टेबल मैं इसी तरह छोड़ दी, और किचन क्लीन करके, और फिर इसके बाद ही मैं रात को सोई। और करीब टाइम देखिए किचन पूरा मेरा क्लीन हो गया है, और बस सुबह उठ करके नहा करके और रेडी होकर के मंदिर जाना रहेगा। तो टाइम हो गया है करीब 1 बज गया है। तो कभी भी ऐसा पूजा पाठ होता है जो सुबह सुबह मॉर्निंग होता है, तो नाइट में ही करना पड़ता है सारा काम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और ये है आज यानी नवमी की सुबह का, और मैं मंदिर से लौट करके आप सबसे मिल रही हूँ, क्योंकि सुबह इतना जल्दीबाजी था कि मैं कोई भी वीडियो नहीं शूट की, और मंदिर एकदम जल्दी से तैयार होकर के गई। और मेरे जाने के पहले ही इतना ज़्यादा भीड़ हो चुका था मंदिर में कि कहना नहीं है, मतलब मैं 6 बजने के पहले ही पहुँची थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा। और ये ड्रेस मीशो से मंगाई हूँ मैं, जिसे शॉर्ट वीडियो में मैं दिखाई हूँ। और देखिए सारा प्रसाद फल इधर रखा हुआ है, इतना भीड़ था कि इस बार नारियल भी नहीं फोड़ रहे थे, तो मैं इसी तरह से चढ़वा करके लेते आई। मंदिर में इतना ज़्यादा भीड़ क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा भीड़ होता है, पूरे टाउन के लोग आते हैं पूजा करने। और पानी ला करके मैं रखी हूँ सुबह, और अभी मतलब करीब 10 बज गए हैं, और मैं मंदिर से लौटी 8 बजे, 6 बजे के गए गए 2 घंटा मतलब लगा, इसके बाद 8 बजे मैं आई। और फिर अभी मुझे खाना बनाना है,
इनके लिए, क्योंकि मैं तो फास्टिंग में हूँ, मेरा तो आज अष्टमी व्रत है, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना होगा एक आदमी के लिए, तो उनके लिए मैं खाना बनाई। उसके बाद फिर से गैस चूल्हा वगैरह पोछ करके और फिर मैं बादाम और मखाना भूनी फलहार के लिए, क्योंकि आज तो मेरा फास्टिंग है और फलहार करना है, तो इसे भून ले रही हूँ। और फिर साथ में मुझे बनाना है अरारूट का हलवा, तो बस यही मैं जब बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझसे आज काम ही नहीं हो रहा है। ये मूंगफली और मखाना ये भून करके किनारे कर दिए, और इसके बाद मुझे अभी बनाना है हलवा, अरारोट का हलवा। तो बस इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, घोल करके और डाल दो, बस तुरंत ये पक जाता है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। मैं इसीलिए बना रही हूँ कि जल्दी से बन जाए कोई भी चीज़, क्योंकि फास्टिंग में ऐसे भी थोड़ा सा वीकनेस हो जाता है। अब टाइम हो चुके हैं, करीब 1 बज चुके हैं, तो मैं सोची कि फटाफट इसे ही बना लेते हैं। और ऐसे तो केला सेब ये सब तो रखा हुआ है खाने के लिए, लेकिन वो सब खाने के बाद एनर्जी नहीं आता है शरीर में। कुछ घर का मतलब बनाया हुआ खाओ तभी एनर्जी आता है, और मुझे तो काम करना है तो खाना ही पड़ेगा घर में, चूंकि खाना बनाना और भी काम मुझे ही करना है, अकेली हूँ। तो देखिए मेरा बन गया है, मतलब बस इसे डालो और तुरंत पक जाता है, गाढ़ा हो गया है। इसे मुश्किल से 5-7 मिनट इसे पकाना पड़ता है, तुरंत हो जाता है, मतलब 10 मिनट में एक बन करके रेडी हो गया। चीनी डाल दी है साथ में, इलायची, और इसमें घोल करके इसे डाल दिए। बस अगर चाहे तो इसे ठंडा करके जमा करके और इसका काट सकते हैं बर्फी के डिजाइन में, और नहीं तो ऐसे भी खा सकते हैं। तो मुझे तो वो डिजाइन नहीं बनाना है, क्योंकि मुझे भूख लगी है, जितनी जल्दी से इसे खाएं। तो ये देखिए मेरा बन गया है, बस इसे कटोरी में निकालेंगे और फिर फटाफट खाएंगे, क्योंकि 1 बज चुके हैं और अब ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। इसे निकाल ले रहे हैं, और ये बहुत टेस्टी होता है खाने में, क्योंकि दूध में बना हुआ है और इसमें तेल घी कुछ भी नहीं है, तो ये अच्छा रहता है खाने में फास्टिंग में। मैं ज़्यादातर अक्सर यही बनाती हूँ फास्टिंग में, क्योंकि जल्दी बनता है, ऊपर से खाने में भी अच्छा लगता है मुझे। वैसे तो मैं नवरात्रि करती थी तो कुछ पहले बना करके रख लेती थी, जैसे मेवा का लड्डू है, या फिर ड्राई फ्रूट भून करके, और भी कुछ कुछ नारियल लड्डू वगैरह। लेकिन एक दिन के लिए फास्टिंग था तो मैं कुछ भी नहीं रखी। ये देखिए मेरा आ गया, और जो जो फास्टिंग में है आज आइए मेरे साथ ये फलहार करने। तो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। और ये देखिए टेस्ट करके बता रहे हैं, बहुत ही टेस्टी होता है ये हलवा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तिखुर का या फिर इसका। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के